हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वन वे टेक्नोलॉजी। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? यू फीलिंग वेल? इस वीडियो के अंदर हम रेफर एंड अर्न प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके थ्रू आप अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हो रेफर करके। यह जो रेफरल वेबसाइट है वो आप स्टॉक है। यह एक ऐसा वेबसाइट है जो अभी सबसे ज़्यादा रेफरल कमीशन देती है। यह पर साइनअप पे आपको 500 रुपये देती है। अगर आप 10 साइनअप करते हो तो ईजिली 5000 रुपये अर्न कर सकते हो। अभी आप देख सकते हो मैं इसी साइट पे हूँ, और आप यहाँ देख सकते हो मैं जो पैसे अर्न किया हूँ वो 1500 रुपये मैंने अर्न किया था। यह कोई फेक पेमेंट प्रूफ नहीं है। चलिए मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। मैंने रिफ्रेश कर लिया है, और जो मैंने आपको रिफ्रेश करने से पहले दिखाया था और ये अभी मैं दिखा रहा हूँ ये सेम ही है। तो आप इजीली अर्न कर सकते हो, मतलब एक रेफर का 500 रुपये अर्न कर रहे हो, और 10 रेफर का 5000, और 20 रेफर का 10000 रुपये अर्न कर रहे हो। कितना इजी है। सबसे पहले हम साइट के बारे में जानने वाले हैं, दूसरा हम किस प्रकार इस साइट पर साइनअप कर सकते हैं, तीसरा हम एक कैश प्राइज देने वाले हैं, और अगर आप मेरे लिंक के थ्रू सक्सेसफुल साइनअप करते हो तो मैं आपको 100 रुपये का कैश प्राइस देने वाला हूँ। यह जो कैश प्राइस है मैं इस वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ किस प्रकार से इसे ले सकते हैं। आप देख सकते हो मैं अप स्टॉक के साइट पे आ चुका हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे अप स्टॉक क्या है। अप स्टॉक लो कॉस्ट के अंदर एक ब्रोकरिंग फर्म है जो यह डीमैट अकाउंट ओपन करवाती है। डीमैट अकाउंट वह अकाउंट होता है जहाँ पे लोग स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। यह वेबसाइट 2009 से इस्टेब्लिश हुआ था और ये अभी तक चल रहा है। इस वेबसाइट के प्ले स्टोर की बात करें तो इसका डाउनलोड 10 मिलियन प्लस है, और इसका जो रेटिंग है 4.0 की रेटिंग है। इस वेबसाइट के पास 30 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टर हैं। यह वेबसाइट IPL क्रिकेट का स्पॉन्सर भी है। हम इस वेबसाइट के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। गाइज, फिर चलते हैं, साइनअप करते हैं। और साइनअप करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देना पड़ता है या फिर सबमिट करना पड़ता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक मिलेंगे, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और इस प्रकार से इस साइट पर साइनअप के लिए आना है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो और अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मोबाइल के थ्रू साइनअप कर सकते हो। साइनअप करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। जैसे आप बैंक अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, उसी प्रकार से इसमें भी डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। सबसे पहले आपको पैन कार्ड देना पड़ता है, इसके बाद आपको आधार कार्ड देना पड़ता है, और इसके बाद एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना पड़ता है जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो। इसके बाद एक बैंक अकाउंट देना पड़ता है जिसके थ्रू आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो। बैंक अकाउंट उस बंदे का देना पड़ता है जिसका आधार कार्ड और पैन कार्ड है। चलिए फिर हम साइनअप करते हैं। साइनअप करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, एक तो ईमेल आईडी आपको देना पड़ता है और एक मोबाइल नंबर देना पड़ता है। तो चलिए मैं फटाफट फिलअप कर देता हूँ। फिलअप करने के बाद आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे और इसके बाद आपके फ़ोन पे एक OTP जाएंगे, आपको वो इंटर करना है। इसके बाद आपको करना है साइन अप। इसके बाद आप पैन कार्ड का डिटेल भर सकते हो। पैन कार्ड की डिटेल भरने के बाद आपको क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है जो आपके पैन कार्ड में। इसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट कर रहे हैं। जैसे आप कंप्लीट करोगे तो आपको यहाँ पे आपके नेम शो करेंगे, और इसके बाद आप नीचे देख सकते हो व्हाट इज़ योर जेंडर, कि आप मेल हो या फीमेल हो, आपका जेंडर क्या है। तो आप यहाँ से मेल सेलेक्ट कर सकते हो या फीमेल हो तो फीमेल सेलेक्ट कर सकते हो, या मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। यहाँ से मैं सिंगल सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिंगल हूँ। एंड एनुअल इनकम क्या है आपके, आपके साल में कितने कमाते हो, तो आप डाल सकते हो जितने आप कमाते हो 1 लाख से 5 लाख तक। अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो आप लेस देन 1 ईयर डाल सकते हो। क्या आप नेता उदा से जुड़े हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, अगर जुड़े हो तो यस, अगर नहीं जुड़े हो तो नो डाल सकते हो।
यहाँ पे आप देख सकते हो आप काम क्या करते हो, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो या फिर स्टूडेंट हो, अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपके पिता क्या नाम है, तो आप पिता का नाम डाल सकते हो यहाँ पे। ये पूछ रहा है कि आप इंडिया से बाहर रहते हो, तो अगर आप इंडिया से बाहर रहते हो तो आप यहाँ से यस डाल सकते हो, अगर आप इंडिया में रहते हो तो यहाँ पे नो डाल सकते हो। इसके बाद आपको टैक्स पेयर डिक्लेरेशन करना है और इसको एग्री करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन शो कर रहे हैं, एक तो इक्विटी और एक फीचर्स एंड ऑप्शंस करेंसी और दूसरा कमोडिटी। तो आप इन तीनों का आपको चेक करना है। गाइज आप नीचे देख सकते हो ये ट्रेड आपके शो कर रहे हैं, एक तो प्रायोरिटी और दूसरा बेसिक। अगर आप ज़्यादा ट्रेड करना चाहते हो तो प्रायोरिटी के साथ जा सकते हो, अगर आप कम ट्रेड करना चाहते हो तो बेसिक के साथ जा सकते हो। तो मैं यहाँ से बेसिक सेलेक्ट कर रहा हूँ, और अगर आपके पास कोई कूपन कोड है तो यहाँ पे आप कूपन कोड भी डाल सकते हो, और इसके बाद मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट डालना है। बैंक अकाउंट उस बंदे का डालना है जिसका आपने पैन कार्ड डाला था। आप इसी बैंक अकाउंट के थ्रू आप अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं बैंक के अंदर। चलिए हम बैंक का फॉर्म फिलअप करते हैं। फिलअप करने के लिए आप देख सकते हो सबसे पहले अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पर डालना पड़ेगा, और इसके बाद आईएफएससी कोड डालना है, इसके बाद बैंक अकाउंट नंबर डालना है, और अगेन बैंक अकाउंट नंबर डालना है। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा अकाउंट टाइप है, सेविंग है या फिर करेंट है। आप दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करके आप सबमिट कर सकते हो। मैंने बैंक का सारा डिटेल फिलअप कर दिया, इसके बाद मैं यहाँ से नेक्स्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर आप वाइट पेपर पे सिग्नेचर करके अपलोड कर सकते हो। चलिए मैं आपको व्यू करके दिखाता हूँ किस प्रकार से सिग्नेचर दिखेंगे। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं यहाँ से व्यू कर रहा हूँ, और आप देख सकते हो इस प्रकार से आप सिग्नेचर कर सकते हो और अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे आप टैप करोगे, टैप करने के बाद ऑटोमेटिक फाइल में जाके अपलोड कर सकते हो। तो मैंने सिग्नेचर अपलोड कर दिया। इसके बाद आप इनकम प्रूफ अपलोड कर सकते हो। तो इनकम प्रूफ के तौर पे आप बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ का और ITR जो इनकम टैक्स का रिटर्न जो फाइल करते हो वो अपलोड कर सकते हो, या फिर सैलरी स्लिप के साथ स्टाम्प लगा हो वो अपलोड कर सकते हो। तो ये वैसे भी ऑप्शनल है, अगर आप इसे अपलोड नहीं भी करते हो तो आप बाद में जाके अपलोड कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने अपलोड नहीं किया तो भी अच्छा है, अगर अपलोड कर दिया तो भी अच्छा है। किस प्रकार से अपलोड होता है चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास इनकम टैक्स का रिटर्न है तो मैं वो अपलोड करता हूँ। मैंने इसे अपलोड कर दिया, इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप करना है। इसके बाद हमें डिजी लॉकर अकाउंट से कनेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद जो भी आपके आधार कार्ड के जो 12 डिजिट का नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, और जो आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP गए होंगे वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। अगर आपको पता नहीं है आपने कौन सा मोबाइल नंबर आधार कार्ड में रजिस्टर किया था, या जो वीडियो का लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाके वॉच कर सकते हो और पता कर सकते हो आपने कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर किया था। चलिए हम फटाफट OTP इंटर करते हैं और यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ से अलाउ करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है और ये बोल रहा है कि आपका अकाउंट पहले से डिजी लॉकर में कनेक्टेड है, तो आपको यहाँ से कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको क्या करना है, इस प्रकार से एक पिक्चर अपलोड करना है। यहाँ से आप टेक ए पिक्चर ले सकते हो। जैसे आप टेक ए पिक्चर करते हो ऑटोमेटिक एक कैमरा ओपन हो जाएगा, आपको बस इसी प्रकार से एक फ़ोटो खींचना है और अपलोड करना है। इसके बाद आपको लोकेशन शेयर करना है, और इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप करना है। इसके बाद आपको मेल आईडी कंफर्म करना पड़ेगा जो आपने पहले डाला था। यहाँ से मैं क्लिक कर रहा हूँ गेट OTP, तो मेरे पास मेल आया होगा, तो मैं जा रहा हूँ मेल पे और मैं यहाँ पे OTP इंटर कर रहा हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से नेक्स्ट कर रहा हूँ।
आप देख सकते हो यहाँ पर लिमिट टाइम अकाउंट ओपनिंग ऑफर चल रहा है और आपको एक साथ दो अकाउंट खोल रहे हैं, फ्री डीमैट अकाउंट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्या आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है? तो आपका लिंक है तो आप यहाँ से यस कर सकते हो। तो मैं यहाँ से यस कर रहा हूँ। इसके बाद एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है और इसके बाद आपको करना है यहाँ से कंटिन्यू। इसके बाद आपको ई साइन विथ आधार OTP करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर रहे हो ये आपको इस साइट पे लेके जा रहा है, तो ई साइन नाउ करना है। आप यहाँ देख सकते हो आपका नाम यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद आपको यहाँ से करना है सबमिट। सबमिट करने के बाद आपको एक बार और आधार कार्ड का नंबर डालना है और ये आधार कार्ड का नंबर है, यहाँ मैं कर रहा हूँ सेंड OTP। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको OTP डालना है, जो भी आधार कार्ड का OTP है, तो मैंने इसे डाल दिया। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वेरीफाई OTP। यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए एक लिंक आ रहा है, क्लिक हेयर टू डाउनलोड योर साइन डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसीड, और आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुका है और कुछ देर के बाद ऑटोमेटिक ये सबमिट हो जाएंगे। आप यहां देख सकते हो कि अकाउंट स्टेटस शो कर रहे हैं, तो यहां पे आपको 102 दिन के अंदर आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा और एक्टिवेट होने के बाद आपके पास एक मेल जाएंगे और मेल पे आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेंगे, उसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हो। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसके लिए सॉरी। जैसे अकाउंट एक्टिवेट होता है मैं इस वीडियो का सेकेंड पार्ट लेके आने वाला हूँ और हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से हम लॉगिन कर सकते हैं और हम कैसे रेफर कर सकते हैं, और मैं आपको लाइव विड्रॉल करके बताने वाला हूं। इसलिए मैं आपको बोलता हूं चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि मैं कैश प्राइज देने वाला हूं कि जो बंदा मेरे लिंक के थ्रू साइन अप करता है मैं उनको 100 रुपये का कैश प्राइज देने वाला हूं। बस आपको करना क्या है, आप यहां पर देख सकते हो आपको व्हाट्सएप नंबर शो कर रहे हैं, आपको WhatsApp पे एक मैसेज भेजना है, हमने इस मेल आईडी और मोबाइल नंबर से साइन अप किया है। जैसे ही आपका डिटेल सही होता है तो मैं वैसे ही आपको फ़ोन पे या पेटीएम के थ्रू आपको पेमेंट कर दूंगा। प्लीज़ फेक डिटेल मत डालिएगा, क्योंकि मैं आपका डिटेल ट्रैक करता हूँ, इसलिए प्लीज़ फेक डिटेल मत डालिएगा। जब तक अपस्टॉक रेफर प्रोग्राम दे रहा है तब तक मैं आपको पे कर रहा हूँ। जब अपस्टॉक रेफर प्रोग्राम बंद कर देगा तो मैं आपको पे नहीं कर पाऊँगा, इसलिए बोलता हूँ फटाफट आप साइन अप करो और इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाओ। और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, मान लीजिए आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है और उसी प्रकार अगर आपके किसी फैमिली का मोबाइल नंबर लिंक है तो आप उसके थ्रू अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो। दूसरा चीज़, मान लीजिए आपने साइन अप किया लेकिन आपने कम्प्लीट साइन अप अभी भी नहीं किया है और किसी कारणवश आपका कनेक्शन डिसकनेक्ट हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना है, आपको साइन इन पर जाना है और आपको क्या करना है मोबाइल नंबर डालना है और सेंड OTP पर क्लिक करना है। जैसे आप OTP आएंगे वो डालोगे ऑटोमेटिक आप रिडायरेक्ट हो जाओगे जहां पे आपने फॉर्म को छोड़ा था। तीसरा चीज़, मान लीजिए आपने साइन अप कर लिया लेकिन आप चाहते हो कि मैं अपस्टॉक के डीमैट अकाउंट को बंद करवाऊँ, क्या यह पॉसिबल है? जी हाँ, यह पॉसिबल है। जिस प्रकार से आप बैंक अकाउंट बंद करवाते हो उसी प्रकार से आप इसे भी बंद करवा सकते हो। हम चौथे नंबर में बात करने वाले हैं, क्या डीमैट अकाउंट सारी बैंक ओपन करवाती है? तो जी हाँ, डीमैट अकाउंट सारी बैंक ओपन करवाती है, चाहे वो ICICI बैंक हो, HDFC बैंक हो, SBI बैंक हो या फिर कोटक बैंक हो, जो भी बैंक हो सारी बैंक डीमैट अकाउंट ओपन करवाती है। आई होप ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज मुझे कमेंट करके नीचे बताइए, और गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय, सी यू।